सीएम शिवराज सिंह चौहान से, जिन्होंने विपक्ष पर एक बार फिर से तंज कसा है। पटना में विपक्षी दलों की कल बैठक हुई और उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। लालू यादव का राहुल की शादी कराने वाले बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की एकता का निष्कर्ष ही राहुल की शादी है। बैठक में लालू ने बताया कि राहुल की शादी का मुद्दा, तुम शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। दरअसल ये उस वक्त का पूरा घटनाक्रम है जब मीडिया से मुखातिब तमाम नेता हो रहे थे और उस समय लालू यादव ने राहुल गांधी को मजाकिया अंदाज में शादी करने की सलाह दी थी और उसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है विपक्ष की बैठक पर। अच्छा, विपक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाकी वो दूल्हा कौन है और बारात कौन है, इसका ठिकाने नहीं है। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे, मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये एक सब एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और चलिए वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जिसमें लालू यादव राहुल गांधी को शादी करने की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको हाँ हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल बैठक हुई और उसके पहले हमने देखा कि मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे विपक्ष के तमाम नेता तो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज उस समय देखने को मिला। लालू यादव सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को शादी करने की, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी पर तंज कसा है और कहते हैं कि दूल्हा कौन है, बारात किसकी है, इसका तो ठिकाना विपक्ष में कहीं भी नहीं है। चलिए बातचीत एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि कल पटना में विपक्ष की बैठक थी और उससे पहले जब थोड़ा सा माहौल वहां पे हल्का दिखाई दिया, मजाकिया दिखाई दिया, तो उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। ज्यादा चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले राजपाल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, विपक्षी जो बैठक कल हुई है, बैठक के अंदर क्या हुआ? वो पूरा एजेंडा बैठक में तय हुआ, लेकिन अगर मीडिया के सामने राहुल गांधी को शादी की सलाह दे दी तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मोहब्बत की दुकान लेके राहुल जी घूम रहे हैं। फिर भी सोनिया जी को तो ना बहू मिल रही है, ना राहुल जी को बहुमत मिल रहा है। ये कुल मिला के मोदी जी की लोकप्रियता का जो एक बाढ़ है, समर्थन का जो एक दौर है, उस समर्थन से डर के परस्पर विपरीत विचारधारा के लोग जो एक दूसरे के क्षेत्रीय दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वैचारिक रूप से विरोधी होते हैं, वे सब एक मंच पे, एक पेड़ पे, जैसा उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा, ऐसा एक मंच पर आकर बैठने का ये प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें भी एजेंडा डिसाइड नहीं है। अब जैसे शादी की सलाह दे रहे, तो शादी के लिए सबसे आवश्यक होता है कि कोई दुल्हन हो, वो तो शादी होगी। अब यहाँ ये सब बैठ तो रहे हैं, ना तो इनका कोई लीडर तय हुआ है, ना नेता तय हुआ है,
ना इनको जनता ने कोई इनका वरण किया है, ना इनको जनता ने कोई आशीर्वाद दिया है, ये जबरदस्ती बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं इसमें बहुत बड़ा प्रश्न आपके माध्यम से कह रहा हूँ गंभीरता से कि राहुल गांधी जी इस बैठक में बैठ रहे हैं तो वो किस हैसियत से बैठ रहे हैं, मैं फिरोज जी से पूछना चाहता हूँ। क्या वो सांसद है, क्या वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के, उनकी जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके चेयरमैन है, क्या वो कांग्रेस के चेयरमैन है, क्या वे यूपीए के चेयरमैन है? जब इन किसी हैसियत से वो नहीं है तो वो किस हैसियत से उस बैठक में बैठ रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है मेरा। ठीक है सर। और इसीलिए लालू यादव जी ने उनको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में तरकाने का काम किया। सर, बहुमत का तो नहीं पता, बहुमत तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस को मिला है, बहु का तो वो खुद ही जाने कि क्या होगा। फिलहाल आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब हम फिरोज सिद्दीकी जी से ले लेते हैं। फिरोज जी, सवाल उठाए गए हैं विपक्षी एकता को लेकर कि जब मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है तो एक बार फिर से सभी एकजुट हो गए हैं। देखिए, ये जरूरी है कि आज देश की जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जो देश की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर हमला हो रहा है। और आपने ये भी देखा कि पहली बार इस आजाद भारत में भारत के किसी प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में ये सवाल भारत में के लिए पूछा गया कि आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, आपके यहाँ मानव अधिकारों का उत्पीड़न हो रहा है, आपके यहाँ जो है लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। 75 सीनेट के सांसदों ने प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया और अपने बाइडन जो अपने देश के नेता को कहा कि इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछिए। तो आज सवाल ये है कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, जो हम सर्वधर्म संभाव के साथ रहते आए हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसको आज बचाने की आवश्यकता है। और उसके लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना है। वो इसलिए नहीं आने देना है कि जो हमारी पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही है, हमारे देश की हमारी संस्कृति पे लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, उसको रोका जाना है। अब भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बात को समझ रही है कि ये जितनी पार्टियां बैठी थी 328 सीटों पर अपना असर रखती है, जिसमें से 128 सीटें कुल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 200 सीटें अन्य ये विपक्ष के पास है। हम सब साथ मिलके लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 2-4-8 सीटें मिलेंगी उसमें से, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बाहर हो जाएगी। ठीक है, वो जनता को तय करने दीजिए फिरोज जी। फिलहाल शुक्रिया आपका, राजपाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद सर बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो विपक्षी एकता की बैठक कल हुई, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तंज भी कसा है।